एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल पे। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ मैं पांच ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि मुझे लगता है बहुत ही बम्पर डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं, और दोस्तों एक निवेशक के लिहाज से आपको उन पांचों स्टॉक को नज़र में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में बहुत ही खूबसूरत वेल्थ ये स्टॉक मुझे लगता है आपको बना के दे सकते हैं। अगर आप वाकई में मार्केट से कुछ कमाना चाहते हैं अच्छा खासा और माला माल होना चाहते हैं तो इन स्टॉक्स पे आपकी नज़र ज़रूर से होनी चाहिए। मुझे पर्सनली ये स्टॉक सारे पसंद हैं, आप भी इनमें ख़रीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप वाकई में बहुत अच्छी वेल्थ के मालिक बनना चाहते हैं। तो ये पाँचों स्टॉक हैं कौन से मैं आपको बताने वाला हूँ, आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों आए हैं चैनल पर पहली दफ़ा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला स्टॉक आपके सामने आ चुका है बेसिक केमिकल के अंदर कामकाज करने वाली दिग्गज कंपनी दीपक नाइट्राइट। दोस्तों 3020 रुपए के लेवल पे ये स्टॉक कामकाज कर रहा था, अभी आपको 2158 पे मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन और हैवी करेक्शन स्टॉक में हो चुका है। आज के दिन 1.5% की तेज़ी 2158 पे देखने को मिल रहा है। हफ्ते भर की बात करें तो दोस्तों 8.17% का करेक्शन देखने को मिला है। महीने भर की बात करें तो ऑलमोस्ट 8.25% के आसपास की करेक्शन, और 6 महीने में दोस्तों ये स्टॉक अभी भी लगभग 21% के रिटर्न देता दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, खरीदारी करनी चाहिए आपको इस बेहतरीन स्टॉक के अंदर। साल की शुरुआत से 118%, एक साल की बात करें तो करीब 167%, और दोस्तों अगर बात करें 5 ईयर के टाइम फ्रेम की तो 2116% के बेहतरीन रिटर्न, दोस्तों 2216% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। और बात करें लॉन्ग टर्म की दोस्तों इसने लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट 12016% के रिटर्न देके पैसा ऑलरेडी आपका 121 गुना कर चुका है। दीपक नाइट्राइट 50 साल दोस्तों पुरानी कंपनी है और एसीटोन और फिनॉल बनाने में लीडर है। दोस्तों अच्छा खासा भाव मिल रहा है, मुझे लगता है अगर आप इसको छोड़ देंगे तो दोस्तों एक भूल हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करना चाहिए आपको। चलिए देखेंगे दूसरा स्टॉक मैंने कौन सा लिया है। दोस्तों दूसरा दिग्गज स्टॉक आपके सामने आ चुका है, बात करूँ बालाजी एमाइंस केमिकल लिमिटेड की। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत कंपनी है, स्टॉक दोस्तों 5200 रुपए के आसपास कामकाज करने वाली कंपनी आज 3162 पे देखने को मिल रही है। 136 रुपए की तेज़ी, करीब 4.5% का आज के दिन जंप है। यहाँ देखिए आप वीक में एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 1% का निगेटिव है, महीने भर की बात करें तो 17.24% की गिरावट। दोस्तों बहुत ही भयानक इसमें गिरावट देखने को मिली है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपको लेना चाहिए। 6 महीने में जितनी भी इसने बड़ी तेज़ी दिखाई थी वो कंप्लीट फेजल आउट हो चुकी है और करीब 9% की ही तेज़ी बची है। साल की शुरुआत से अगर हम बात करेंगे तो 237% के दमदार रिटर्न देती देखने को मिली। 1 ईयर का टाइम फ्रेम 212% के रिटर्न। यदि हम बात करें 5 साल की तो दोस्तों 5 ईयर में ऐसा कभी नहीं हुआ जो गिरावट आपके सामने अवेलेबल है। तो मैं ये चाहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को आप उठाइए, 5 साल में पैसा 10 गुना कर चुका है, 900% के रिटर्न है दोस्तों। या अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो दोस्तों यहाँ आप ज़रा रिटर्न देख लीजिए, 140,400% के रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। और ज़रा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, ये जो गिरावट का पीक देख रहे हैं कहाँ से गिरा है, तो ये अपॉर्चुनिटी है। नंबर दो पे जो स्टॉक चुना आपके सामने है बालाजी एमाइंस केमिकल लिमिटेड, बम्पर डिस्काउंट में मिल रहे हैं स्टॉक। 5 बताऊँगा, 2 बता दिए, 3 अभी और बताने वाला हूँ। दोस्तों अगला और तीसरा स्टॉक आपके सामने एक और केमिकल सेगमेंट का बेताज बादशाह दोस्तों एल्कल एमाइंस केमिकल लिमिटेड। दोस्तों 3250 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है, 2.5% की तेजी, 80 रुपए का जंप देखने को मिला। स्टॉक 4750 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था दोस्तों, और फिलहाल आपके सामने जो अभी इसमें देखने को मिल रहे हैं लेवल वो दोस्तों करीब 3250 रुपए के हिसाब के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें अच्छी खासी करेक्शन हुआ है, इसको नज़र में रख लेना चाहिए आपको। बात करें हफ्ते भर में तो 3.19% के रिटर्न, महीने भर में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 8.5% के निगेटिव रिटर्न, और अगर हम बात करेंगे 6 महीने की तो दोस्तों 6 महीने तक की तेज़ी फेजल आउट हो चुकी है। एल्कलामाइन ऐसे दिग्गज स्टॉक के अंदर 9% का फॉल है। साल की शुरुआत से अगर हम बात कर लेते हैं तो करीब 109% के रिटर्न डिलीवर करने वाली कंपनी है। एक साल की बात करें तो दोस्तों 118% के रिटर्न, 5 साल में बात करें तो दोस्तों 2479% के रिटर्न, और बात करें दोस्तों हम अगर लॉन्ग टर्म की तो यहाँ पे आप भी बेहतरीन रिटर्न देख सकते हैं, 75,481% के रिटर्न। तो दोस्तों ये सारी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी वाले स्टॉक हैं जिनमें मुझे लगता है आपको पैसा लगा के अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं।
तो एल्कल अमाइंस नंबर 3 पे मैंने स्टॉक रखा। चलिए अभी हम देखेंगे अगला और चौथा स्टॉक मैंने कौन सा चुना है, जो कि मुझे पर्सनली वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है वो स्टॉक। दोस्तों चौथा स्टॉक एनबीएफसी किंग बजाज फाइनेंस की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, जो कि नंबर 4 पे मैंने रखा है। स्टॉक 8050 के आसपास कामकाज करने वाला स्टॉक दोस्तों 7111 पे मिल रहा है। और दोस्तों आज 50 रुपये की तेज़ी, अच्छी खासी तेज़ी इसने दिन के सेशंस में दिखाई थी, लेकिन बाद में इसकी जो तेज़ी फेजल आउट होती देखने को भी, लोगों ने फिर से प्रॉफिट बुकिंग करी इस स्टॉक के अंदर। दोस्तों लोग पैनिक की सिचुएशन में बहुत जल्दी आते हैं, जैसा आपने लास्ट ईयर देखा था कोविड में, ये स्टॉक 5000 के लेवल से गिर के सीधे 1700 के लेवल पर आया था, लेकिन अगर कंपनी में दम है तो दोबारा इसीलिए 8000 पे दोस्तों 1700 से पहुँच चुका है। तो अच्छी कंपनियाँ मौका कम ही देती हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप खरीदारी कर सकते हैं। बारे में ऑलमोस्ट स्टॉक 6% गिर गया है, महीने भर में 7% की गिरावट बजाज फाइनेंस ऐसे बेहतरीन मल्टीबैगर, टॉप क्लास मल्टीबैगर स्टॉक में देखने को मिली है। अगर हम 6 महीने की बात करें तो 26.94% की रिटर्न, साल की शुरुआत से बात करें तो दोस्तों 34.68% के रिटर्न, एक साल की बात करें तो 47.87% के रिटर्न। तो दोस्तों रिटर्न के लिहाज से ये स्टॉक पीछे है ही नहीं दोस्तों, कभी नहीं रहा है। 710% के रिटर्न 5 साल के अंदर दिए हैं, और ये दोस्तों लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी इस बॉक्स के अंदर। कोविड का फॉल रखा हुआ है आप देख सकते हैं, और बात करें इसके लॉन्ग टर्म की तो दोस्तों देखिए जा रहा रिटर्न 1,22,900% से भी ज़्यादा का रिटर्न, और ये कोविड का फॉल और फिर से तेज़ी और हल्की सी गिरावट अभी भी आई है इसमें, और अभी भी ये स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट 1,000 रुपये नीचे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी स्टॉक है, और ये स्टॉक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेचने वाले स्टॉक है दोस्तों, खरीद के भूल जाइए, बेहतरीन पैसा बनेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए दोस्तों अंतिम और आखिरी स्टॉक जो मैंने चुना है 5 नंबर पे, वो कौन सा है उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। अंतिम और आखिरी स्टॉक आपके सामने आ चुका है डिक्सन टेक्नोलॉजी, ऑलमोस्ट हमेशा ही न्यूज में रहने वाला, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिलता है इस कंपनी को, और एक ऐसी सिंगल लिस्टेड कंपनी है जो एक बहुत अलग टाइप का बिजनेस कर रही है दोस्तों। 5094 के लेवल पे आज दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 6100 रुपये के आसपास ये स्टॉक देखने को मिला था, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो मुझे लगता है इसमें मौके हैं, मौके बस ढूंढने से मिलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 6% की गिरावट हफ्ते भर में है, महीने भर में अभी भी 5% का जंप आपके सामने है। 6 महीने का टाइम फ्रेम अगर हम ले लेते हैं तो करीब करीब 30% से ज़्यादा के रिटर्न, साल की शुरुआत से बात करें तो 87% के रिटर्न, बात करें 1 ईयर के टाइम फ्रेम की तो 134 से 135% के रिटर्न, और दोस्तों 5 ईयर का तो डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि 2017 में मार्केट में कंपनी आई थी, तब से बेहतरीन रिटर्न दे चुकी है 855% के। तो दोस्तों ये 5 के 5ों स्टॉक वन बाय वन फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, बालाजी माफ़ करें दोस्तों दीपक नाइट्राइट, बालाजी अमाइंस, एल्कल अमाइंस, और दोस्तों बजाज फिनांस एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी, इन 5ों स्टॉक में आपको अच्छा पैसा लगाना चाहिए, बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, आपका पैसा अच्छा बनेगा। पसंद आए वीडियो लाइक करना, चैनल पे आए पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।